दिस इज द ऑल न्यू किया सोनेट। अरे हाँ हाँ पता है, इतनी वीडियोस तो बना ली तूने सोनेट पे। इस वीडियो में नया क्या है यार? बात तो सही है, वॉकरॉन भी डिटेल्ड हो गया, वेरिएंट्स भी एक्सप्लेन कर दिए, अब क्या करूँ? मैं बताता हूँ, ऐसा कर माइलेज के बारे में बता दे और साथ में परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आया पहले वाली सोनेट और न्यू सोनेट में। ये आइडिया सही लग रहा है मुझे, लगे हाथ डिलीवरीज, कलर ऑप्शंस और स्पेस में क्या डिफरेंस है वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज द ऑल न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, एक एक इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। माइलेज बदल गई है उसके बारे में बात करेंगे, स्पेस बदल गई है उसके बारे में बात करेंगे, तो एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेरा काम। नाउ लेट्स बिगिन। जब हम इसका ये डीजल इंजन चलाते हैं ना, तो उसकी आवाज़ से ही पता फील आ जाती है कि यार इस इंजन में कुछ बात है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ माय फेवरेट डीजल इंजन, द CIDI 1.5 लीटर। ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है ना इंजन, मतलब कितनी गाड़ियों में है, ये सेल्टोस में है, इसमें भी है, वेन्यू में आता है, और इवन अब जो नई क्रेटा आ रही, मतलब पहले वाली क्रेटा में भी है, न्यू वाली क्रेटा में भी आएगा, तो उस वजह से ये ना एक बहुत ही पॉपुलर इंजन हो जाता है, वेल ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। तो डीजल इंजन में ये मेरा बहुत अच्छा है कि एक तो फीएट का आता था जो पहले 1.3 लीटर, और एक ये दो मेरे फेवरेट इंजन है अभी ये है। ओके, इस इंजन की सबसे खास बात इसकी पावर डिलीवरी और टॉर्क दोनों ही ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होती है। जब आपको पावर चाहिए होती है, यानी कि जब आपको एक 115 PS की पावर चाहिए, 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क चाहिए, और वो भी एक कम RPM रेंज से, तो वो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। हम इसको अभी जैसे ड्राइव मोड पे करते हैं और रेस देना चाहेंगे तो बहुत जल्दी इसकी टॉर्क जो है वो डिलीवरी मिलती है और आपको एक फन टू ड्राइव एलिमेंट जो है वो मिल जाता है और गाड़ी भागती है और ऐसा लगता है कि अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज रहती है इसकी सारी सस्पेंशन, स्टीयरिंग एंड ऑल। बट द पॉइंट इज़ कि पावर किसी को चाहिए, टॉर्क नेचर आपको अच्छी लगती है, वो डीजल का थ्रस्ट अच्छा लगता है ना, दिस इंजन हैज़ इट। इसको वापस अभी हम करते हैं नॉर्मल मोड पे क्योंकि हम अभी शहर में चला रहे हैं। सी एक आपके सिंपल सीप जाता हूँ, इसमें ड्राइव मोड जाते हैं ना, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, ये होते क्या हैं? इको मोड होता है हाईवेज के लिए, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इको मोड को सिटीज़ के लिए, बट क्या होता है कि इको मोड पे कांस्टेंट स्पीड रहती है, गियर शिफ्टिंग उस अकॉर्डिंगली इसका जो सिस्टम है वो करता है, तो उस पर आपको माइलेज बहुत अच्छी आती है हाईवे पे। नॉर्मल अगर मोड रखते हैं तो उसको सिटी में यूज़ कीजिए ताकि ओवरटेकिंग करनी है, क्विक शिफ्टिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सके। और स्पोर्ट्स मोड था आप जानते ही हैं, स्पोर्ट्स वाली फील लेने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें भी आपको ऑफर किया जाता है। एंड अगेन ओवरऑल अगर हम इस व्हीकल के ड्राइविंग की परफॉर्मेंस की बात करें तो RPM रेंज वेरी गुड, 1500-2000 RPM से ही ना आपको एक टॉर्क की नीचे जो है फील होने लग जाती है, और इट गोज ऑल द वे टू 4000, वो फील भी होती है। उसके बाद थोड़ी सी पावर डिलीवरी स्लो होती है, बट ऐसा नहीं कि डेड हो जाता है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, और फिर तो गियर चेंज हो ही जाता है ऑटोमेटिक जो है। लेकिन अगर आपको इसकी शिफ्टिंग और ज़्यादा क्विक करनी है, यानी कि रिस्पॉन्सिव करनी है, तो आप इसके पैडल शिफ्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स मेरे फेवरेट फीचर हैं, ठीक है ना। जब आपको लगता है कि यार किसी को ओवरटेक करना है, मैं रेस दूंगा, तो इसको समझने में थोड़ा कुछ मिली सेकेंड लगेंगे, तो बस इसको डाउन करो, गियर डाउन हो चुका है और ये आपको टॉर्क मिलने लग जाती है, पिकअप जो है वो मिलने लग जाती है, और ओवरटेकिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है किसी भी व्हीकल को। और मैं ऐसे चलाने को कहूँगा नहीं, थोड़ा ध्यान से ही चलाएं गाड़ी को, बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि टॉर्क अच्छी मिल जाती है, और पैडल शिफ्टर्स की वजह से आपका जो फन टू ड्राइव एलिमेंट फीलिंग है ना, गाड़ी चलाने का जो मज़ा है ना, वो डबल ट्रिपल आराम से हो जाता है, स्पेशली हाईवेज पे ओवरटेकिंग करने में ना मज़ा ही बड़ा आता है, बहुत डोमिनेटिंग फील होता है। ओके, ब्रेकिंग, ऑल फोर डिस्क ब्रेक होने की वजह से डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। कंपनी ने इसको कंपेयर किया ब्रेजा के साथ, वहाँ कॉम्पिटिशन बी लिखा है, तो वो कन्फर्म हो रहा है कि ब्रेजा के साथ ही है। रही बात हैंडलिंग और सस्पेंशन की, दोनों चीज़ें ना थोड़ी सी हैवियर साइड पे हैं, स्टिफर साइड पे, बट वो अच्छी लगती हैं, बिकॉज उससे क्या है कि आपको हाईवे पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है स्टिफनेस की वजह से कि ट्रिपल स्पीड पे भी अगर मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ 120-140 स्पीड लिमिट के हिसाब से, तो गाड़ी ज़्यादा झूलती नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से चिपक के रहती है रोड के साथ, और आप उसको अच्छे से फील भी कर पाते हो। अब इसका जो 1.2 लीटर का इंजन है ना पेट्रोल वाला, वो हमने अभी आज तो नहीं चलाया है,
लेकिन हमने उसको बहुत पहले चलाया था, तो उसका रिव्यू आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर मिल जाती है वो इंजन उनके लिए जिनको ज़्यादा पैसे पे नहीं करने, माइलेज और मेंटेनेंस भी आपको मतलब यू नो एक पॉकेट फ्रेंडली चाहिए, तो वो इंजन बहुत बढ़िया रहता है। सिटीज़ के लिए अच्छा है, रनिंग कम है ना, तो वो इंजन बढ़िया रहता है। बेस मॉडल्स के लिए तो वैल्यू फॉर मनी रहेगा पूरा पूरा, और वो रिफाइंड बहुत है, 4 सिलेंडर यूनिट है वो। माइलेज की बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, डीजल इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। पावर तो ये देता देता है, माइलेज भी देता है। मैनुअल ट्रांसमिशन जो इसकी आती है 6 स्पीड मैनुअल, उसकी अभी अंडर सर्टिफिकेशन है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि सिटी में आपको 16-17 किलोमीटर रियल लाइफ एंड हाईवेज पे 20-22 किलोमीटर आराम से मिल जाएगी। मैं तो इसको 24 KMPL भी लेके गया, बट वो तब था कि जब आप इससे हमें मतलब मन होता है कि हाँ यार माइलेज निकालनी है तब, बट यूजुअल केसेस में 22 आराम से आ जाती है। रही बात इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की, वहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी माइलेज एज कम्पेयर टू पिछली सोनेट कम हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे रीज़न नहीं पता, इंजन वही है, ट्रांसमिशन वही है, तो इसकी कम क्यों, बल्कि DCT की ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पर लीटर बड़ी है माइलेज, यानी कि पेट्रोल ऑटोमेटिक की, पर डीजल ऑटोमेटिक की कुछ पॉइंट्स क्लेम्ड कम हुई है। जब टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा पता लग जाएगा, उसकी वीडियो हमने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं माइलेज टेस्ट की, तो उसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब बारी आती है इसकी मेजर सेफ्टी फीचर की, ADAS Level 1। 10 फीचर्स आपको मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग द लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलोइंग भी, लेन को फॉलो भी करता है और उसके बीच बीच में रहने की कोशिश करता है। 60 किलोमीटर्स के आसपास इसकी जो वो है रहेगा, और सबसे इंटरेस्टिंग आ जाते हैं कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग बहुत अच्छी तरीके से इसकी काम करती है, कंपनी ने इसे प्रमोट भी किया, और कैमरा बेस्ड है, बट फीलिंग आपको पूरी पूरी आती है कि हाँ यार आपने एक यू नो रेडार बेस्ड वाली यानी कि सेल्टोस जैसी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है, तो ADAS को लेके तो मैं खुश हूँ। हाँ, ADAS Level 1 और Level 2 में जो फ़र्क आया था वो आया था अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का, वो आपको मिसिंग मिलेगा, वो इस सेगमेंट में कहीं भी नहीं है, वो Level 2 वाले ADAS फीचर्स में ही आता है। इवन अपर सेगमेंट में भी बहुत सारी गाड़ियाँ जिसमें ADAS नहीं है, और कईयों में तो ADAS 1 है, 2 नहीं है, तो सेल्टोस में 2 है, ठीक है ना। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है तो उससे आपका हाईवे की ड्राइव इजी तो ज़रूर होती है, बट मैं फिर से कहूँगा कि ज़्यादा ADAS पे रिलाय नहीं करने का, अपनी ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस भी रखने का और अपनी ही ड्राइविंग पे ज़्यादा यू नो मतलब कॉन्सेंट्रेशन से गाड़ी चलाने का, समझ गए, प्रॉमिस है ना, अच्छे से गाड़ी चलाओगे ना। ADAS के ना और बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपको हाई बीम असिस्ट मिल जाता है कि अगला व्हीकल डिटेक्ट करके अगर आपकी गाड़ी हाई बीम पे है तो उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है, गाड़ी की लाइट को ऑटोमेटिकली लो बीम पे कर दिया जाएगा गाड़ी की मदद से, इस कैमरे की वजह से जो कि हमेशा ADAS में काम करता है, तो उसकी वजह से अगले की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने गाड़ी ली है सोनेट, आपकी गाड़ी में वो फीचर है, लेकिन फ़ायदा किसका हो रहा है, सामने वाले का, आपका तो ही रहा है उसका भी फायदा हो रहा है ना, कमाल की बात। और उसके अलावा वो कि अगली वाली गाड़ी जब चलती जाती है उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग आती है कि इस तरीके से आप ब्रेक लगा रहे हो, स्टेयरिंग को टाइट पकड़ा नहीं, तो गाड़ी जज कर लेती है कि यार आप थक तो नहीं गए होगे, तो वो भी आपको वार्निंग देता है कि भाई थक गए हो तो कॉफ़ी पी लो। बाकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर आपके लिए लगा देता हूँ, मेजर फीचर्स मैंने आपको बता दिए। अब अगर हम स्पेसिफिकली इसकी ट्रांसमिशन की बात करें, दिस इज़ अ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, तो ये भी क्विक है, ऐसा मत सोचना कि 7-स्पीड DCT मतलब उसके कंपैरेटिवली सही नहीं रहता। क्या है कि 6-स्पीड टॉक कन्वर्टर यानी कि कोई भी टॉक कन्वर्टर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलायबल होते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी रहती है। DCT में थोड़ा सा हीटिंग इशू आता है, उसको ठीक करने के लिए कंपनी ने क्या किया, आइडल स्टार्ट स्टॉप की टेक्नोलॉजी दे दी, बिल्कुल सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उससे आपका जो हीटिंग इशू है ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में और रेड लाइट पे खड़ी रहने गाड़ी का जो प्रॉब्लम आती थी हीटिंग इशू की, वो खत्म हो जाती है DCT के साथ। आइडल स्टार्ट स्टॉप में क्या है, गाड़ी रुकी जब रेड लाइट पे तो इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटाओगे, रेस देने लगोगे, या अगर आप मैनुअल में भी करोगे तो क्लच, अगर आप उसका 6-स्पीड मैनुअल वाला यूज़ करते हो, उस सिचुएशन पे भी इंजन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो जितनी देर इंजन आपका बंद रहा, तब 2 फायदे होते हैं, एक तो आपको माइलेज बेटर मिल जाती है, आराम से 10-15% का फ़र्क आ जाता है, और दूसरा आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपका इंजन या ट्रांसमिशन दोनों हीट नहीं होते, और ऑफ कोर्स तीसरा पोल्यूशन का भी फर्क भी तो पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी जो है कि सिंपल सी टेक्नोलॉजी है बट बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। कभी कभी ना सिंपल चीज़ें या थोड़े डिफरेंसेस ही ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, जैसे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, अब रियर में डिस्क ब्रेक होने से ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है, माइनर सा फर्क पड़ता है, ठीक है ड्रम ब्रेक्स और डिस्क ब्रेक में, बट कभी कभी माइनर सा डिफरेंस ही किसी की जान बचा सकता है। ओके, विजिबिलिटी, यहाँ बात आ जाती थोड़ी सी कमी की। देखो यहाँ पर बैठ के हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट तो आपको ऑफकोर्स मिल रही हैं, ADAS ये भी तो डिस्कस करेंगे, ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ब्रेक लगा ली। एनीवेज, विजिबिलिटी, ड्राइवर सीट पे बैठ के हाइट एडजस्टेबल मैनुअल है, बोनट अच्छी तरीके से नज़र आता है, आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हो, बट
रियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। रियर में क्या सीन है कि विंडो पेन थोड़ा सा छोटा रहता है और ये बड़ा है और इतना ज़्यादा गैप नहीं, उसकी वजह से रियर विजिबिलिटी 19-20 थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सेंटर में रियर सीट में आपको हेडरेस्ट क्यों नहीं मिलता, कॉस्ट कटिंग है? नहीं, कॉस्ट कटिंग नहीं है, बेसिकली विजिबिलिटी के लिए है, क्योंकि अगर वहाँ हेडरेस्ट होता तो विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती, क्योंकि जो कि पहले ही थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बट ठीक है कि उन्होंने वो हेडरेस्ट ना नहीं दिया, क्योंकि ड्राइव करना सेफली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेदर देन कम्फर्टेबली अपना हेड रखना। और वैसे भी दूसरी कमी की बात कर लेते हैं कि ये एक कंफर्टेबल 5 सीटर नहीं है, दिस इज़ ए कंफर्टेबल 4 सीटर। 5 सीट ऑब्वियसली 5 लोग बैठना चाहे बैठ जाएंगे, बट अगेन 4 सीटर के पॉइंट से ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। लेट्स टॉक अबाउट NVH लेवल्स। डीजल इंजन है और 4 सिलेंडर यूनिट है, 1.5 लीटर बड़ा इंजन है, तो देखो थोड़ी सी नॉइज़ तो आएगी। टर्बो चार्ज ना यार, टर्बो की आवाज़ आएगी, बट मुझे तो टर्बो की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जब कोई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है ना, तो उसको आप रेस दो तो उसकी सांस फूल जाती है, स्ट्रगल करता है, उसकी आवाज़ नहीं अच्छी लगती आपको। लेकिन अगर आप इसको चलाते हो यानी कि टर्बो चार्ज इंजन को, तो उसकी विसल की जो टर्बो नॉइस है वो बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि गियर डाउन और ये अगर सुन पा रहे हो तो। बट ये रोड ना इतनी स्पीड के लिए है नहीं, थोड़ा स्लो ही रखते हैं इस पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो रह गई, स्पेस। सारे शूट ख़त्म कर लिया, फ्लाइट के लिए जा ही रहे थे अभी, बट चलो फटाफट पहले ये कर लेते हैं। स्पेस, कंपनी कहती है कि पहले हम इसे फ्लैट रखते थे, पिछली सॉनेट में ना ये पिछला जो हिस्सा था पूरा फ्लैट आता था, उसकी वजह से नी रूम कम था। अब इन्होंने एक स्कूप बना दिया जिसकी वजह से नी रूम थोड़ा सा बढ़ गया। देखो इतने इतने से ही ना स्पेस काफ़ी बन जाती है। एग्जैक्ट नंबर्स आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, तो कि पहले कितना था, कितना फर्क आ गया वो लिख देता हूँ, चार्ट भी है। अंडर थाई सपोर्ट, पहले कंप्लेंट्स थी, अब कंपनी ने उसे थोड़ा सा बेटर किया। यहाँ पर भी जो अंडर थाई सपोर्ट है उसकी चीज़ को आगे कर दिया गया, इसको भी पूरा फ्लैट कर दिया गया। फ्लोर तो चलो उतना ही है, बट अब ये है कि एटलीस्ट 3 लोग कंपैरेटिवली कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा अगर फुल कंफर्टेबली बैठना है तो 4 लोग हैं, 5 पर थोड़ा सा टाइट हो जाता है, थोड़े से शोल्डर तक आते हैं, और कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। हेडरेस्ट नहीं है उसका मैंने ड्राइव में आपको बता दिया, और आर्मरेस्ट है, कप होल्डर्स है, तो 4 लोग तो कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। मल्टीपल पॉकेट्स भी आपको मिल जाती है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। रेस इवेंट्स हैं, स्टोरेज है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स है, और स्मार्ट प्योर एयर फायर तो है ही, बट हम स्पेस की बात कर रहे थे ना, ओवरऑल स्पेस इज़ गुड। अब ये तो हो गए नए फीचर्स, लेकिन एग्जिस्टिंग फीचर्स जो मुझे पर्टिकुलरली इस सोनेट के बारे में बहुत अच्छे लगते हैं, जो पहले भी आते थे अब भी आते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, बोस के 7 प्रीमियम स्पीकर सिस्टम आपको कंप्लीट मिल जाता है, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है, एम्बियंट साउंड मूड लाइटिंग भी आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है, और 16 इंचेस के जो नए अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन है, लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ये सारी चीज़ें ना सोनेट को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 6 एयरबैग्स, ABS, EBD तो है ही, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी हैं, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसा फंक्शन भी आपको बेस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। और अगर हम टॉप वेरिएंट तक जाते रहते हैं तो आपको 360° कैमरा, ऑफकोर्स ADAS लेवल 1 के 10 फीचर्स हैं जो कि क्रैश टेस्ट से पहले आपको बचाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रैश होने से पहले अगर गाड़ी बच जाती है तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर। बाकी फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स ऐड हो जाते हैं, और भी बहुत सारे तमाम सेफ्टी फीचर्स हैं, यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट में आपके लिए लगा देता हूँ। असली क्वेश्चन ये है कि इसकी डिलीवरीज कब से शुरू है, तो मिड ऑफ जनवरी से इसकी डिलीवरीज भी हैं वो शुरू हो गई होंगी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है। और रही बात इसके वारंटी की, तो 3 ईयर्स तो आपको मिलेगी, 2 ईयर्स एक्सटेंड करवा के टोटल 5 ईयर्स भी आप करवा सकते हो। एडिशनली सर्विस नेटवर्क की जब किया लॉन्च हुई थी ना, तो सर्विस नेटवर्क उतना ज़्यादा नहीं था, बट अब जब इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, इतना टाइम हो गया इनको इंडियन मार्केट में, तो अब सर्विस नेटवर्क भी आपको पूरा मिल जाता है। कलर ऑप्शंस बहुत सारी हैं, सारी लिस्ट करके लगाता हूँ। एक्सलेन का ग्रेफाइट मैट कमाल का लगता है, रेड तो मैट ये है, थोड़ा सा ग्लॉसी वाली फिनिशिंग की, बट जैसे अभी फॉग है, ठंड का मौसम है, तो ये थोड़ी सी मैट वाली फिनिशिंग लग रही है। और इतना ही यहीं पे खत्म नहीं, तो वेरिएंट्स बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे इंजन ऑप्शंस हैं, तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, रनिंग भी कम है, पावर ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसके बेस वेरिएंट्स का 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड HT, HTK, HTK+ आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी रनिंग कमी है बट पावर आपको ज़्यादा चाहिए, बजट भी थोड़ा ज़्यादा आप कर सकते हो और फीचर्स भी चाहिए, तो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल बहुत अच्छा रहता है, 6 स्पीड IMT और साथ में 7 स्पीड DCT, ऑब्वियसली थोड़े अपर वेरिएंट्स के लिए वो अवेलेबल है। बट अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए, रनिंग भी ज़्यादा है, माइलेज भी ज़्यादा चाहिए, तो डीजल आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, और उसमें तो 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। बेस वेरिएंट से आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने लग जाता है, थोड़ा ऊपर जाते रहेंगे तो 6 स्पीड IMT, और टॉप के लिए 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर अवेलेबल है, तो उनके लिए सही रहता है जिनकी रनिंग ज्यादा है। अब मेरा मानना यह है कि 8 लाख से लेकर
15 लाख तक की इसकी प्राइस आने वाली है, अब तक आ भी चुकी होगी, और वो एक बिल्कुल एप्रोप्रिएट प्राइस रहता है कंसिडरिंग द साइज, ADAS फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स और ऐसे तमाम फीचर्स। क्लस्टर देख लो कितना शानदार लगता है। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं, और ऑफकोर्स द क्वालिटी ऑफ द मटीरियल यूज ऑल्सो। नाउ द मेजर पॉइंट इज, क्या ये प्राइस सही है? मेरे हिसाब से तो सही है। महंगाई तो बढ़ रही है, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारी जब सैलरीज बढ़ रही है, हमारी कमाई बढ़ रही है, तो हमारी महंगाई भी थोड़ी सी अगर बढ़ जाए तो वो तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ओवरऑल सेगमेंट में इतने ज़्यादा फीचर्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, और इसके अलावा ऐसा डिज़ाइन भी आपको कहीं और देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ मिनी सेल्टोस एंड आई वुड से अ प्रॉपर किया सोनेट, किया के डिज़ाइन लैंग्वेज पे एक अट्रैक्टिव है टर्नर डिज़ाइन के साथ अवेलेबल है। एक दो छोटी छोटी कमियाँ जो मैंने आपको बताई, उसके अलावा आई थिंक दिस कार इज़ क्लोज टू परफेक्ट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द किया सोनेट फेसलिफ्ट? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर दे। यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, drive safe. Take care. Love you guys. Bye.